है आपका अपने पसंदीदा वेब चैनल दरभंगा लाइव न्यूज पहली में। बारिश में ही जल प्लावित हुआ शहर दरभंगा। मानसून की पहली बारिश में ही दरभंगा शहर पानी में तैरता नजर आ रहा है। नगर निगम कार्यालय सहित सीएम साइंस कॉलेज तक पानी जमा होने के कारण सब कुछ तैरता नजर आ रहा है। जुड़वा शहर दरभंगा लहरियासराय के अधिकांश हिस्सा जल प्लावित हो गया है। दूसरी तरफ शहर में जल निकासी को लेकर नगर निगम के अलावा विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा साल भर लंबे चौड़े दावे किए जाते रहे। जल निकासी को लेकर एक से एक योजनाओं की घोषणा करते रहे हैं, पर पहले ही बारिश में घोषित योजनाओं की धज्जियां उड़ गई है और जगह जगह जल जमाव से आम लोग परेशान रहे। सीएम साइंस कॉलेज का कोई भी कोना नहीं बचा जहाँ घुटने भर पानी नहीं जमा था, जिसके कारण छात्र से शिक्षक तक परेशान रहे। जल जमाव के कारण कॉलेज परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। यही हाल डीएमसीएच परिसर, गुदरी बाजार, हर जगह पानी ही पानी था। भारी बारिश से शहर उपलाते नजर आया। पानी में गली मोहल्लों की तमाम सड़कें डूब गई। पानी ओवरफ्लो होने से नाला के पानी में सड़क विलीन सा हो गया। दर्जनों मोहल्ला जलमग्न हो गए। निचले इलाके के घरों में पानी घुस जाने से आवासितों को सामान बचाने व उपजने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सड़क पर 2 से 3 फुट पानी जमा होने से कई वाहन बंद पड़ गए। रोज कमाने खाने वालों की भी परेशानी बढ़ा दी। हालांकि वर्षा के दौरान भी नाला व मुहाने में फंसी गंदगी को निकाल जल निकासी कराने में कर्मी व्यस्त दिखे। लगातार गहन नाला उड़ाही के लिए किए गए काम मानसून के पहले बौछार में जमीन पर देखने को मिला। मंगलवार की शाम व बुधवार की आधी रात से लेकर सुबह तक हुई वर्षा का पानी निचले इलाकों को छोड़ अन्य जगहों से निकल गया। इसके बाद लगातार बारिश होते रहने से जल जमाव की समस्या फिर से बन गया। लक्ष्मी सागर कटाड़िया जेपी चौक से विद्यापति चौक रूट, बीरा सुंदरपुर परमेश्वर चौक से बापू चौक वाली रूट, बंगलागढ़ पटेल चौक, फकीराना आजमनगर कैदराबाद दरभंगा टावर निगम कार्यालय रोड व नगर भवन चौरंगी सीएम साइंस कॉलेज परिसर, भगवान दास मोहल्ला जेठियाही, राम जानकी मंदिर रोड, बंगाली टोला, बलभद्रपुर कटरहिया, उर्दू शुभंकरपुर आदि दर्जनों मोहल्ले जलमग्न रहा। भारी बारिश से उपलाते शहर में जमा पानी निकालने के लिए बुधवार को कर्मी पसीना बहाते हुए दिखे। विभिन्न जगहों पर पंप सेट लगाकर जल निकासी के लिए प्रयासरत रहे। हटिए, हमको फोटो लेने दीजिए। देखिए घर में कितना, घर में पानी लगा, वो तो फेंकते रहते हैं कितना पानी लगा हुआ है। कुछ करता है वार्ड कमिश्नर? कौन है ये? हां नया लगाने कौन है? अंदर में पाइप में करंट आ रहा है। आपने पूछा जाएगा। ये वार्ड नंबर 29 है, हजम टोली के नाम से जाना जाता है। और आप देख लीजिए, ये पानी से घिर चुका है। यहाँ पे एक बिजली मिस्त्री है जी। आप बताइए, आप इधर क्या कर रहे हैं इस बरसात में? लाइन बनाने आए हैं कंज्यूमर का। करंट लगने का डर नहीं लगता है? क्या करें, ड्यूटी है, करना पड़ेगा। कैसा लग रहा है पानी में काम करना? पानी में काम करने में सबसे गंदा लग रहा है। गंदा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल हुसैन। आपको क्या हुआ है? हाथ टूट गया जी। कैसे टूट गया था? घर पे स्लिप कर गए। स्लिप कर गए? यहाँ तो बहुत पानी है डीएमसीएच में। तो क्या करेगा? नीतीश बाबू का सरकार है। संतोष सिंह। संतोष सिंह कहाँ से आए? सुंदरपुर जिला हाई स्कूल जलानपुर। आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ के डीएमसीएच के जो स्टाफ हैं कि किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। दैनिक भारत आपको सब कुछ दिखाएगा, एम्स भी चल के दिखाते हैं आपको, और ये डीएमसीएच की स्थिति देखिए। ऑर्थो डिपार्टमेंट है,
यहाँ पूरा पानी लगा हुआ है, मरीज बैठे हुए हैं, ये देखिए ये मरीज बैठे हैं इसी पानी में ये जो है उसका प्लास्टर कर रहा है। सर कैसे काम कर पाते हैं? वो तो करना है, जो आदेश है आदेश का तो पालन करना है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। आज ये लगभग कि आज पानी हुआ, अभी तो आज बरसात शुरू ही है सर, अभी तो 3 महीना और बरसात होनी है। हम लोग तो काम सर करेंगे, जो हालत होगा उस हरेक हालत में काम करेंगे। क्या नाम हुआ सर? नवीन कुमार चौधरी। कौन सा डिपार्टमेंट है? ऑर्थो। बैठे रहिए बैठे रहिए। कुड़िया मर गई दहाक दहाक पानी गे आ बेटा पुतौ दहा। कौन मोहल्ला छी? बाकरगंज 37 वार्ड।